आए थे मिलने के लिए, सभी आश्वासन मिला। देखिए दुखद घटना है, उस घटना में संवेदना व्यक्त करने के लिए हम लोग माननीय मंत्री अनिल राजभर जी और मैं हम दोनों लोग आए हुए हैं, और इसमें बात जिलाधिकारी से भी हुई है और संबंधित जो थाने हैं उनसे भी बात हुई है, और इनको न्याय दिलाया जाएगा, नहीं मिलेगा। काफी लोगों पे नचाई को जाम करने के मामले मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब कोर्ट का आदेश है कि सड़क जाम न किया जाए, अगर पुलिस मुकदमा भी नहीं लिखती है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। वो अपने बचने के लिए भी तो उनको रास्ता है, समझाया जाता है, जनता उत्तेजित हो जाते उस समय नहीं समझ पाती है, उसमें भी हम लोग पूरी मदद करेंगे। सर हादसे वाले पे क्या करेंगे? देखिए दुखद घटना है और सरकार पूरी तरह जो मृतक है या जो हॉस्पिटल में है सरकार पूरी तरह उनके साथ है, और जांच कमेटी भी गठित हो गई है, जांच रिपोर्ट जो आ जाती है, और पुलिस अपना काम कर ही रही है। गिरफ्तारी 6 गिरफ्तारी हो चुकी है और उसमें जांच हो रही है, जो लोग दोषी हैं सभी पकड़े जाएंगे। सर बाबा पर FIR नहीं हुआ, इसको लेकर काफ़ी प्रश्न, उसमें जांच चल रहा है, जांच खंगाले जा रहे हैं, उसमें कार्रवाई जो जांच रिपोर्ट है आने के बाद कार्रवाई होगी। सर बाबा के काफ़ी फोटो समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ वायरल हो रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, इनका संरक्षण तो नहीं है? आप देखिए नहीं, अब वो तो बहुत दिखाए जाते हैं फोटो, अभी जब DGP का फोटो एक वायरल हुआ था आप लोग दिखा रहे थे ना। सर बेदी राम पे क्या कहेंगे सर? देखिए कुछ चैनल ऐसे हैं, नहीं कुछ चैनल ऐसे हैं जो फर्जी न्यूज चलाते हैं और बदनाम करने की कोशिश करते हैं, फर्जी वीडियो चला करके। वो आदमी अपने घर में है, शादी में जा रहा है, अपने क्षेत्र में है, और दिखा रहे हैं कि STF ने गिरफ्तार कर लिया, उसकी पूछताछ हो रही है। ऐसे लोगों को तो मैं कहूँगा कि थोड़ा ओम प्रकाश राजभर से दूर रहिए, अब जो फर्जी चला रहे हैं, जबकि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। पूर्व के मामले में CBI जांच कर रही है, जब CBI जांच कर रही है पूर्व के मामले में, तो जब सजा उनको मिलेगी वो मिलेगी। हाँ बताइए।